घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केज दीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज की थी और गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला है। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज की थी। लगातार केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसी बीच ये बड़ा अपडेट आपको देते चले, कल इस पूरे मामले को लेकर हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में। गिरफ्तारी और रिमांड को दी गई है चुनौती। तो देखिए, जिस तरह से शराब नीति मामले में आपके तमाम दिग्गजों पर शिकंजा कस रहा है, बात अगर मुख्यमंत्री केजरीवाल की करें तो उनकी मुसीबतें लगातार बढ़ रही है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला और केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल हियरिंग होने वाली है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल अहम सुनवाई करने वाला है। 12 बजे के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की डिवीजन बेंच इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें हाई कोर्ट ने हाल ही में केजरीवाल की याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को जो चुनौती देने का जो आधार है उसको फिलहाल कंसीडर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सीएम केजरीवाल ने तत्काल रिहाई की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है और जो याचिका में जो तमाम बातें कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बातें कही गई हैं कि लोकसभा चुनाव में उनको रिहा किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें कैंपेनिंग करनी है और इस लिहाज से केंद्र सरकार ने जानबूझकर उन्हें चुनाव से एन वक्त पहले जो है उनकी गिरफ्तारी और उनके आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की है। कल केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी सीएम केजरीवाल की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। कल हो सकता है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगे क्योंकि इस पूरे मामले में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत के रिमांड आदेश को चैलेंज किया है। तो 12 बजे के बाद इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जो केस संख्या है वो 57 है, यानी कि आखिरी में जस्टिस संजीव खन्ना की जो बेंच है वो आखिरी मामले में सीएम केजरीवाल की सुनवाई करेगी। तो 12 बजे के बाद ही यह मामला सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में आएगा। सुमित, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो भी तर्क हाई कोर्ट में रखे गए थे उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अंतरिम तौर पर रिहाई की मांग सीएम केजरीवाल कर रहे हैं, ये अपने आप में एक 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 बड़ी मांग है और ऐसे मामले में जब कोई भी जांच एजेंसी अगर जांच करती है तो ऐसे मामले में तत्काल जो रिहाई है वो खासकर संवैधानिक अदालतें नहीं देती हैं, वो चाहे हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। आपने संजय सिंह के मामले में भी देखा था कि निचली अदालत हाई कोर्ट से जब याचिका खारिज हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, हालांकि ईडी की ओर से कहा गया था कि उन्हें जमानत का विरोध नहीं किया है, तब जाकर संजय सिंह को जमानत मिली थी। तो ऐसे में केजरीवाल जिस तरह से रिहाई की मांग कर रहे हैं वो काफी मुश्किल भरा हो सकता है। कल फौरी तौर पर जो राहत की मांग कर रहे हैं वो लगता नहीं है कि इस तरह की जो फौरी राहत है वो सीएम केजरीवाल को मिलेगी। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की हामी भरता है तो इस पूरे मामले में ईडी को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग सकता है, लेकिन तत्काल जो रिहाई है, तत्काल जो फौरी राहत है, उसकी उम्मीद बेहद कम नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या बयान सामने आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग को लेकर? आम आदमी के पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन जिस तरह की याचिका में जो मांग उठाई गई है वो ऐसी मांग है जो कि फौरी तौर पर राहत देना खासकर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं होता है, क्योंकि कई हम केस के एग्जांपल्स देखें तो ऐसे फौरी तौर पर जो राहत है वो नहीं मिली है, क्योंकि ईडी यहाँ सीधे तौर पर सीएम केजरीवाल को इस शराब नीति घोटाले का मास्टरमाइंड बता रही है, मुख्य साजिश करता बता रही है। और आपको याद होगा कि इसी तरह का जो आरोप है वो मनीष सिसोदिया पर भी ईडी ने लगाया था और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिली थी। हालांकि जमानत याचिका ये नहीं है सीएम केजरीवाल की, इन्होंने गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। तो ऐसे में फौरी तौर पर जो राहत की जो मांग है वो आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें फौरी तौर पर राहत मिल सकती है, लेकिन अगर कल सुप्रीम कोर्ट से उन्हें फौरी तौर पर राहत नहीं मिलती है तब जाकर लगता है कि निचली अदालत में वो जमानत याचिका सीएम केजरीवाल की ओर से दायर की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से
सीएम केजरीवाल ने मांग उठाई है कि उन्हें चुनाव को लेकर जो है फौरी तौर पर रिहाई का जो है आदेश दिया जाना चाहिए, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी मांग है क्योंकि ईडी इस मामले में जांच कर रही है। तो ऐसे में कल का दिन बेहद अहम है सीएम केजरीवाल के लिए कि कल सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इस मामले में आदेश जारी करता है। यानी कि अब कल का इंतजार होगा कि सोमवार को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो क्या कुछ फैसला होता है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित।